मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। 120 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार की मांग पर आज विधानसभा का एक दिन का सेशन होगा। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने 21 अगस्त को राज्यपाल अनुसुईया उइके को सत्र शुरू करने की सिफारिश की थी। 22 अगस्त को राजभवन ने अधिसूचना जारी कर दी थी। बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 174(1) के मुताबिक किसी भी सदन में 2 सत्रों में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मणिपुर में पिछला सत्र मार्च में हुआ था, ऐसे में 6 महीने की डेडलाइन सितंबर में खत्म हो रही थी।